नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में भाजपा प्रत्याशी दुल्लू महतो का हुआ स्वागत। भाजपा धनबाद लोकसभा प्रत्याशी दुल्लू महतो मंगलवार को निरसा विधानसभा में चुनाव प्रचार एवं कार्यकर्ताओं से मिलने की शुरुआत माता कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर की। इस दौरान मैथन के काली पहाड़ी, संजय चौक, मैथन मोड़ एवं 11 कुंड में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनका जगह जगह स्वागत फूल माला पहनाकर एवं मुके देकर किया। उन्होंने निरसा जामताड़ा रोड स्थित अग्रसेन भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार का सपना मिलकर पूरा करना होगा, इसके लिए सभी तैयार रहें। निरसा की जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान में जीतने के बाद एक एक कर पूरा करूँगा। वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर से कभी वोट मांगने नहीं आऊँगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आगामी 30 अप्रैल को वे नामांकन करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता के उपस्थित होने की अपील की। वहीं भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि निरसा विधानसभा में भाजपा का रिकॉर्ड हमेशा भाजपा ही तोड़ती है, इस बार भी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अधिक से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी दुल्लू महतो की जीत हो गई। मौके पर निरसा विधानसभा प्रभारी अंबिका खवास, ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, मन्नू तिवारी, जयप्रकाश सिंह, संजय सिंह पिंटू, अनिल यादव, बृहस्पति पासवान, मधुरेंद्र गोस्वामी, उमा देवी, पायल कुमारी, योगेंद्र यादव, धीरज मिश्रा, सकल दास, सुदामा कुमार रवि, रोमा मुखर्जी, छंदा दत्ता, वंदना बावड़ी, कमला देवी, राजेश बावड़ी, शंकर बावड़ी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए जानते हैं दुल्लू महतो भाजपा सांसद प्रत्याशी और जयप्रकाश सिंह भाजपा नेता ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। लक्ष्य क्या है, काम के आधार पर हम लोग इस लक्ष्य को पार करेंगे। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति बढ़ा है, मोदी जी के गारंटी पर विश्वास बढ़ा है। निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो 10 वर्षों के दरमियान काम किया, हमें लगता है कि 70 वर्षों के दरमियान किसी भी प्रधानमंत्री इस तरह का जो कहते हैं किए नहीं है। मगर मोदी जी ने जो कहते हैं वो करते हैं और वो शिलान्यास जो कार्य को किया है उस कार्य को उद्घाटन भी किए हैं। 10 वर्षों के दरमियान आप देख लीजिए, हमें लगता है कि वो ऐसा काम, जनहित का मुद्दा, एक एक मुद्दा को उन्होंने काम करने का प्रयास किया है और राष्ट्र हित के लिए, राज्य हित के लिए, हमारा देश को मजबूत करने के लिए आने वाला वर्ष, आने वाला 5 साल में हम करेंगे और हमारा देश बहुत ज्यादा मजबूत होगा, मुझे विश्वास है। 140 करोड़ जनता का मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। अरे एक एक विषय, कोई ऐसा विषय ही नहीं है जो हम लोग मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है। मोदी जी की द्वारा किया गया मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। मोदी जी और हम अलग नहीं, मोदी जी और हम, उनका निर्देश ही हम लोगों के सर्वोपरि है। उनका निर्देश है, उनका जो योजना है, हम लोगों को बस एक काम है कि मोदी जी की योजना धरातल तक, गरीबों तक पहुंचे। उनमें जो सरकारें चल रही थी, कांग्रेस की सरकार 70 वर्ष इस देश में राज किया, उनका एक भी योजना धरातल से नहीं पहुंचा। आप जानते हुए कि स्टेटमेंट हम लोग देखे थे, हम लोग उस समय उतना राजनीतिक ज्ञान नहीं थी, पर सामाजिक ज्ञान होने के नाते हम लोगों ने देखा कि राजीव गांधी जी जब जिंदा थे उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है, मगर मोदी जी ने यह स्पष्ट कहा है कि हम 1 रुपया अगर किसी को खाते में देंगे तो 1 रुपया पहुंचेगा। अब तो मुझ भी रहा है क्योंकि आप देखे कि हमें लगता है कि देश के 140 करोड़ जनता का जो बैंक खाता खुलवाने का काम किया, उन्होंने जो भी योजना देता है, जो भी फंड देता है, वो डायरेक्ट लाभुकों को खाते में जाता है। तो आप स्पष्ट सोच सकते हैं कि इनका सोच 140 करोड़ जनता के प्रति क्या है। हम उस सब बात को नहीं जाएंगे, बस मुझे पूरा आग्रह निवेदन पूर्वक देश के जनता से अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हम मोदी जी के विश्वास को और मजबूत करना है और देश को भी मजबूत करना। मोदी जी मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा, आने वाली पीढ़ी मजबूत होंगे। कानूनी अड़चन हो सकता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर फिर हम लोग मोदी जी प्रधानमंत्री
बहुत जल्द बन रहे हैं, हम लोग उनके पास इस प्रस्ताव को रखेंगे, आग्रह करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम लोगों का आग्रह, धनबाद के आग्रह को मानते हुए हम लोगों का जो समस्या है उसको निदान करेंगे। फिर भाजपा ही तोड़ेगा, हर बार रिकॉर्ड बनाना और तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अपना रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी लीड बढ़ाकर स्वयं तोड़ती है, और इसके लिए हम जनता जनार्दन को बधाई देते हैं कि जो देवकुल जनता है इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में मतदान करने का काम करती है कि लीड बढ़ते जाता है। देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी ने अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए, धनबाद के लिए, धनबाद की जनता के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए और प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए माँ कल्याणेश्वरी जी के दरबार में पूजन करके अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इतना मान लीजिए कि रिकॉर्ड टूटेगा और वह लक्ष्य जो है अब जब खुलेगा ना, तो खुलेगा तो आप समझ जाइए कि अंगूर के गुच्छा की तरह निकलेगा, जो असंख्य रहेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब जो है ना दूध भात है, ये सब बनावटी है, ये सब चले उलेगा नहीं। यहाँ पर जहाँ विकास चलता है ना, प्रभु श्री राम के नाम लेकर विकसित भारत की परिकल्पना है, विकसित भारत का संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, तो जहाँ विकास चलता है वहाँ ये सब दूध भात चलेगा? ये सब दूध भात है, इधर उधर लोग बतियार है, चौक चौराहे पर, उसमें कोई दम उम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, एनडीए का प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी चुनाव जीतकर निश्चित रूप से दिल्ली जाने का काम करेंगे, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश के प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे, जिससे देश 2047 तक विकसित भारत बन सकेगा।